कोटा जिले में ऑनलाइन ठगी के प्रयास का एक मामला सामने आया है। इस बार साइबर ठगों ने एक पुलिस अधिकारी को निशाना बनाया है। साइबर ठग ने इटावा DSP विजय शंकर शर्मा की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर मैसेंजर के जरिए उनके परिचितों से पैसे मांगे हैं। समय रहते DSP को इस बात का पता चला तो उन्होंने फेसबुक से शिकायत कर फर्जी अकाउंट डिलीट करवाया, साथ ही साइबर पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई। इटावा DSP विजय शंकर शर्मा ने बताया कि लगभग सुबह 9:30 बजे किसी परिचित का फ़ोन आया था। उसने पैसे की ज़रूरत के बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसी किसी भी डिमांड से मना कर दिया। उनको ठगी के प्रयास का एहसास हुआ तो उन्होंने परिचित से फर्जी आईडी का लिंक मांगा। लिंक देखते ही उनके होश उड़ गए। साइबर ठग ने उनकी फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर मैसेंजर के जरिए 3 अलग अलग लोगों से 15, 10 व 25 हज़ार रुपये की डिमांड की थी। काम निकलने पर पैसे वापस लौटाने के बाद भी कही। एक परिचित ने तो साइबर ठग को दुकान पर आकर पैसे ले जाने की बात कही। इस पर साइबर ठग नाराज हो गया और गंदी भाषा का प्रयोग करने लगा। DSP ने ठगी के प्रयास की शिकायत साइबर पोर्टल पर की है, साथ ही पुलिस की साइबर टीम भी मामले की जाँच में जुटी है। इसके बाद विजय शंकर शर्मा ने ऑनलाइन ठगी से लोगों को सावधान रहने की अपील की है। आप भी अगर ऐसा कोई मामला आपकी नज़र में आता है तो कमेंट के माध्यम से हमारे साथ ज़रूर साझा करें। साथ ही तमाम प्रकार की ऐसी खबरें सबसे पहले जानने के लिए बने रहिए हाड़ौती न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़, और प्रेस करें बेल आइकन को।